हैं, ऊपर आ रहे हैं या अभी उनसे मैं मिलूंगा। 6 कैंडिडेट हैं, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ हैं उनके नाम? सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं, कहाँ हैं उनके नाम? अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, सच्चाई है ये। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, सच्चाई है ये। अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी, यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया, बलात्कार। सात में से दस में से सात युवा लोकसभा में 15 मिनट हमें भाषण देने का टाइम मिला, 15 मिनट टाइम दे दे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे लोकसभा। स्पीकर मैडम, सॉरी, चेयरमैन सर, भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियां करता हूँ। एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं, और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम हूं कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए,
एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है, गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे ऐसे हिला, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो, हमारे समय आ गए, नमस्कार। उनके आए, आपने आपने सुना नहीं, फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं।